Hello students, in the previous video we have discussed that the wicked barber was trying to convince Emperor Akbar to send Birbal to heaven. So we'll see what is going on in the chapter. So let's start. Next day, agle din, the emperor announced his plan in the court. Raja ne अपनी योजना को दरबार में सुनाया या दरबार में बताया. ही सैड, उन्होंने कहा, बीरबल यू आर चोजन फॉर द टास्क, कि बीरबल तुम्हें इस काम के लिए चुना गया है. किस काम के लिए? स्वर्ग में जिस इंसान को भेजा जाना था उस काम के लिए. गेट प्रिपेयर्ड फॉर द इवेंट, और इस अवसर के लिए आप तैयार हो जाइए. इट इज़ अ गुड आइडिया, यह एक बहुत अच्छा विचार है. वॉट मेड यू थिंक ऑफ इट, आस्क्ड बीरबल. बीरबल ने कहा, वॉट मेड यू थिंक ऑफ इट, कि आपने इसके बारे में क्या सोचा है. आफ्टर ही केम टू नो, जब उसको ये पता चला दैट इट वॉज द बार्बर्स आइडिया, कि ये उस नाई का विचार था. ही एग्रीड, वो सहमत हो गए, टू गो हेवन, कहाँ जाने के लिए सहमत हो गए, स्वर्ग जाने के लिए सहमत हो गए. टू इंक्वायर अबाउट द एम्परर्स फादर, बादशाह के पिताजी की जानकारी लेने के लिए. इंक्वायर मीन्स होता है जानकारी लेना. बीरबल सेड, बीरबल ने कहा, माय लॉर्ड जहाँपनाह, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यह एक बहुत लंबी यात्रा है. आई नीड अ ह्यूज सम ऑफ मनी, मुझे ह्यूज सम ऑफ मनी मीन्स मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होगी. द एम्परर सेड, बादशाह ने कहा, टेक एज मच मनी एज यू नीड, जितना तुमको धन चाहिए उतना धन आप ले सकते हो. आई कैन नॉट लीव इमिडिएटली नाउ, लेकिन मैं जल्दी ही यहाँ से नहीं जाऊँगा, या मैं जल्दी यहाँ से नहीं जा सकता. आई नीड सम टाइम, मुझे कुछ समय की आवश्यकता है. टू मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर माई फैमिली, मुझे अपने परिवार को कुछ अरेंजमेंट करने के लिए थोड़े वक्त की आवश्यकता है. इन केस आई एम हेल्ड अप देयर, उस स्थिति में जब मैं वहाँ चला जाऊँगा तो उसके लिए मुझे अपने परिवार के लिए कुछ व्यवस्थाएं करनी है, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं. हाउ मच टाइम यू नीड फॉर दिस, तुम्हें इन सब के लिए कितना वक्त चाहिए. आस्क्ड द एम्परर, बादशाह ने कहा, अ मंथ योर मैजेस्टी, जहाँपनाह, मुझे एक महीने का वक्त चाहिए. रिप्लाइड बीरबल, बीरबल ने उत्तर दिया. द एम्परर सेड, बादशाह ने कहा, बीरबल आई एम ईगर टू नो अबाउट माई फादर, बादशाह ने कहा कि बीरबल मैं अपने पिताजी के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूँ. ईगर मीन्स क्यूरियस, उत्सुक, एक्साइटेड हूँ. यू शुड गो आफ्टर अ मंथ, तुम एक महीने बाद निश्चित रूप से चले जाना. सर्टेनली माई लॉर्ड, जहाँपनाह, निश्चित रूप से, जहाँपनाह, अवश्य. आई विल ब्रिंग द न्यूज़ ऑफ योर फादर, बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने उत्तर दिया कि मैं आपके पिताजी के बारे में जो भी समाचार है वो लेकर आऊँगा. बीरबल इमीडिएटली गॉट अ फ्यू ट्रस्टेड वर्कमैन, और इस बीच जो टाइम बीरबल ने मांग लिया था, कितना टाइम मांगा था, एक महीने का जो टाइम मांगा था, उस टाइम में बीरबल ने भी अपना एक प्लान तैयार किया, और उस प्लान के अकॉर्डिंग बीरबल इमीडिएटली गॉट अ फ्यू ट्रस्टेड वर्कमैन, बीरबल ने कुछ अपने जो विश्वास पात्र लोग थे, ट्रस्टेड मीन्स विश्वास पात्र, वर्कमैन मीन्स काम करने वाले लोग थे, वो लिए. किस लिए लिए? टू डिग अ टनल, टनल मीन्स सुरंग, एक सुरंग खोदने के लिए. फ्रॉम हिज हाउस, और वो सुरंग कहाँ से, उनके घर से लेकर, टू द ब्यूरियल ग्राउंड, उस जो दाह संस्कार का जो मैदान था वहाँ से, और अपने घर तक के लिए एक सुरंग खोदने की उन्होंने प्लानिंग करी. ऑन द अपॉइंटेड डे, अपॉइंटेड डे मीन्स उस निश्चित दिन, एवरी वन गैदर्ड,
हर कोई वहाँ पर इकट्ठा हो गया टू सी बीरबल असेंडिंग टू हेवन, कि बीरबल को किस तरह से स्वर्ग में भेजा जा रहा है। ही वॉज टेकन इन अ प्रोसेशन, उनको एक जुलूस में ले जाया गया टू द ब्यूरियल ग्राउंड, दाह संस्कार के मैदान तक, एंड मेड टू सिट ऑन अ पायर, और उनको बिठाया गया, कहाँ पर बिठाया गया, अ पायर, पायर मीन्स चिता पर बैठा दिया गया। बीरबल हैड चोजन द प्लेस ऑफ द पायर, बीरबल ने चिता के लिए उस स्थान को चुना, नियर द एंट्रेंस ऑफ द टनल, जो स्थान उस टनल के पास था, जो सुरंग के द्वार के पास था। बीरबल वॉज वियरिंग सूटेबल क्लॉथ्स फॉर गोइंग टू हेवन, और बीरबल ने स्वर्ग जाने के लिए उपयुक्त कपड़े भी पहन लिए। द पायर वॉज लिट एज द मैजिशियन वॉज चेंटिंग सम ऑफ हिज मंत्रास, जैसे ही चिता जली, मैजिशियन ने या फिर जादूगर ने अपने कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। एज द फायर स्टार्टेड बर्निंग, जैसे ही आग जलना शुरू हुई, बीरबल एंटर्ड द टनल थ्रू अ कंसील्ड डोर, बीरबल कंसील्ड मीन्स छिपे हुए, बीरबल ने एक छिपे हुए दरवाजे से कहाँ पर प्रवेश किया, टनल में प्रवेश किया, सुरंग में प्रवेश किया, एंड रीच्ड होम सेफली, और अपने घर सुरक्षित पहुँच गए, सेफली मीन्स सुरक्षित। द बार्बर एंड हिज फ्रेंड्स थॉट दैट इट वॉज द एंड ऑफ बीरबल, बार्बर यानी नाई और उसके जो दोस्त थे यानी जो मिनिस्टर्स थे, वो ये सोचने लगे कि अब बीरबल का अंत हो चुका है। बट बीरबल स्पेंट अ फ्यू मंथ्स एट हिज हाउस, लेकिन बीरबल ने अपने घर पर कुछ महीने बिताए, एंड ग्रू लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, और अपने लंबे बाल कर लिए और दाढ़ी भी बढ़ा ली। ही वेंट टू द कोर्ट वन डे, और फिर एक दिन वो दरबार में गए। अकबर वेलकम्ड हिम ग्लैडली, अकबर ने ग्लैडली मीन्स हैप्पीली, खुशी खुशी, अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक उनका स्वागत किया। हाउ आर यू बीरबल, बीरबल तुम कैसे हो, हाउ लॉन्ग हैड इट बीन विदाउट सीइंग यू, तुमको देखे बिना कितना वक्त बीत गया, हाउ वॉज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कैसी थी, हाउ इज़ माई फादर, मेरे पिताजी कैसे हैं, आस्क्ड द एम्परर, बादशाह ने पूछा। आई एम ऑल राइट योर मेजेस्टी, जहाँ पना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मेट योर फादर एम्परर हुमायूं, मैं आपके पिता बादशाह हुमायूं से मिला। ही इज़ फाइन एंड हैप्पी, वो बिल्कुल ठीक हैं और खुश हैं। ही हैड एवरी कम्फर्ट इन द हेवन, स्वर्ग में उनको हर तरह का आराम है। बट ही लैक्स ओनली वन थिंग, लेकिन उनको सिर्फ एक चीज़ की कमी है। लैक्स मीन्स कमी होना, LACKS, लैक्स मीन्स कमी होना, उन्हें बस एक चीज़ की कमी है। वॉट इज़ इट, आस्क द एम्परर, बादशाह ने पूछा वो क्या है। नाउ वी नो हाउ टू रीच हेवन, अब जब हमको ये पता चल गया है कि स्वर्ग कैसे पहुँचते हैं, वी कैन सेंड एनी थिंग ही रिक्वायर्स, अब उन्हें जिस चीज़ की भी आवश्यकता होगी, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता होगी, हम उस चीज़ को स्वर्ग भेज सकते हैं। द हेवन लैक्स अ बार्बर, स्वर्ग को एक नाई की आवश्यकता है। दैट एक्सप्लेन्स, जो ये पता चल, द हेवन लैक्स अ बार्बर, स्वर्ग में एक नाई की कमी है। दैट एक्सप्लेन्स माई लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड, जिसके बारे में मेरे लंबे बाल और दाढ़ी आपको बता रहे होंगे। योर फादर वॉन्टेड यू टू सेंड अ गुड बार्बर टू हिम, आपके पिता ये चाहते थे कि आप उनके लिए एक अच्छा सा नाई भेज दें। I'll certainly do that, मैं
ये काम अवश्य करूँगा, निश्चित रूप से करूँगा। आई विल सेंड माई बार्बर टू हेवन टू सर्व माई फादर, सेड द एम्परर। तो बादशाह ने क्या कहा कि मैं अपने पिता के लिए अपना नाई भेज देता हूँ, मैं स्वर्ग में अपने पिता के लिए अपना नाई उनकी सेवा करने के लिए भेज देता हूँ। द एम्परर कॉल्ड द बार्बर, बादशाह ने नाई को बुलाया, एंड द मैजिशियन और उस जादूगर को बुलाया। ही ऑर्डर्ड द बार्बर टू गेट रेडी टू गो टू हेवन, उन्होंने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार रहने के लिए आज्ञा दी। द बार्बर कुड नॉट से एनीथिंग, नाई इस बात पर कुछ भी नहीं कह पाया, वो बादशाह की बात चुपचाप सुनता रहा। ही वॉज कॉट इन हिज ओन ट्रैप, ट्रैप मीन्स जाल, वो अपने ही जाल में स्वयं फंस गया। ही वॉज मेड टू सिट ऑन द बर्निंग पायर, उसको एक जलती हुई चिता पर बैठा दिया गया। ही डाइड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मीन्स इमीडिएटली, और वो जल्दी ही मर गया। आफ्टर दिस इंसिडेंट, और इस घटना के बाद बीरबल्स एनिमीज गेव अप, बीरबल के जो दुश्मन थे उन्होंने गेव अप, गेव अप मीन्स छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, देयर आइडिया, अपना विचार छोड़ दिया, देयर आइडिया ऑफ हैचिंग प्लान्स टू किल हिम, किस चीज़ का विचार छोड़ दिया, उनको जो मारने का विचार था इस घटना के बाद उनके दुश्मनों ने वो विचार छोड़ दिए। सो हियर वी फिनिश दिस चैप्टर, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।